लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम कोड मॉडल वर्ब को डिस्कस करने जा रहे हैं तो कोड मॉडल वर्ब क्या है कैन की सेकंड फॉर्म है कोड ओके टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट यानी कि पास्ट को शो करने के लिए कोड का इस्तेमाल किया जाता है तो कोड मॉडल वर्ब की जुमलों के आखिर में क्या आता है सकता सकती थी सकते थे सका सकी सके या पाया पाई, पाई वगैरह आता है ओके यानी कि फास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं सो so, स्टूडेंट्स हमारी कैन मॉडल वर्ब की स्ट्रक्चर क्या थी सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ओके ये थी हमारी कैन मॉडल वर्ब की स्ट्रक्चर तो हम अभी कैन को हटा के कैन की जगह लिखेंगे कोड ओके कोड सो so, ये हो गया हमारी कोड मॉडल वर्क की स्ट्रक्चर सेम वही है हमने सिर्फ कोड का इजाफा किया को हटा के और कोड को लगाया ओके okay? सेम वही है तो मैं स्कूल जा सकता था मैं स्कूल जा सका या मैं स्कूल जा पाया ओके okay? आप कोई भी लिखें लेकिन सेम मीनिंग देंगे ओके okay? मैं स्कूल जा सकता था तो पहले सब्जेक्ट को हम लिखेंगे सब्जेक्ट यहाँ क्या, क्या है? मई तो मई की इंग्लिश लिखेंगे आई ओके सब्जेक्ट के बाद खुद आई आई खुड खुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब यहाँ क्या है जाना तो जाना की लिखेंगे इंग्लिश गो उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्कूल ओके तो स्कूल की इंग्लिश हम यहाँ लिखेंगे स्कूल मैं स्कूल जा सकता था आई कुड गो टू स्कूल ओके सो सेम इसी तरह हमारा अगला जुमला है हम मैच जीत सकते थे सब सबसे पहले हमें क्या जरूरत है वो है सब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ क्या है हम तो हम की इंग्लिश लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद कोड कोड लिखा कोड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब यहाँ क्या है जीतना तो जीतना की इंग्लिश लिखेंगे विन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है मैच तो मैच की इंग्लिश लिखेंगे द मैच ओके okay? हम मैच जीत सकते थे वी कुड विन मैच ओके सेम लाइक दैट वो मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते थे वो मेरा फोन इस्तेमाल कर सके या वो मेरा फोन इस्तेमाल कर पाए सो सब्जेक्ट यहाँ क्या है वो वो किंग लिखेंगे दे सब्जेक्ट के बाद कुड ओके कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब यहाँ क्या है यूज यूज इस्तेमाल करना ओके okay? तो इस्तेमाल करना की इंग्लिश लिखेंगे यूज वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है मेरा फोन तो फोन की इंग्लिश लिखेंगे ओके दे कुड यूज माई फोन वो मेरा मोबाइल यानी कि फोन इस्तेमाल कर सकते थे ओके आई होप आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंसेस समझ में आई होगी तो चलो चलते हैं इनकी नेगेटिव जुमलों की तरफ ओके सो स्टूडेंट्स तो हम खुद के बाद ट का इजाफा करेंगे तो ये होगा हमारी नेगेटिव स्ट्रक्चर ओके सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नाट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट ये है हमारी कुड मॉडल की नेगेटिव स्ट्रक्चर ओके वो मुझसे बात नहीं कर सकता था तो इसके लिए हमें क्या चाहिए पहले सब्जेक्ट को लिखना चाहिए सब्जेक्ट यहाँ क्या है वो तो वो कि इंग्लिश लिखेंगे ही सब्जेक्ट के बाद कुड कुड के बाद नाट कु नाट उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब यहाँ क्या है बात करना टॉक ओके okay? और ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है के? मुझे ओके ऑब्जेक्ट है मी वो मुझसे बात नहीं कर सकता था हे कुड नाट टॉक टू मी वो मुझसे बात नहीं कर सकता था हे कुड नाट टक टू मी ओके सेम लाइक दैट तुम इंग्लिश पढ़ा नहीं सकते थे सब्जेक्ट यहाँ क्या है तुम तो तुम की इंग्लिश लिखेंगे बाद बुड नॉट तो यहाँ कुड नाट लिखेंगे कुड नाट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब यहाँ क्या है पढ़ाना पढ़ाना की इंग्लिश लिखेंगे टीच वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश तो इंग्लिश की लिखेंगे सो यू कुड नॉट टीच इंग्लिश तुम इंग्लिश पढ़ा नहीं सकते थे ओके okay? तो चलते हैं कुड मॉडल की इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ ओके okay? तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है खुद प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क ओके तो हमारे पास पहला जुमला है क्या तुम इंग्लिश पढ़ा सकते थे क्वेश्चन मार्क क्या तुम इंग्लिश पढ़ा सकते थे सब्जेक्ट क्या क्या सॉरी सब्जेक्ट नहीं पहले हम कुड को कु लगाएंगे क्योंकि सवाल यह है ओके okay? सवाल यह तो पहले हम कुड को लगाएंगे कुड के बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या क्या तुम तो तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू एंड सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब क्या है पढ़ाना तो पढ़ाना की इंग्लिश लिखेंगे टीच वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश तो यहाँ इंग्लिश लिखेंगे इंग्लिश सो लास्ट क्वेश्चन मार्क क्या तुम इंग्लिश पढ़ा सकते थे कुड यू टीच इंग्लिश सेम इसी तरह हमारा अगला जुमला है क्या मैं तुम्हारा मदद कर सकता था तो पहले खुड को लगाएंगे खुड खुड के बाद subject. सब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ क्या है मैं तो मैं की इंग्लिश लिखेंगे यहाँ आई सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब क्या है मदद करना तो मदद करना की इंग्लिश यहाँ लिखेंगे हेल्प वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है तुम्हारा ओके यूर एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क कुड आई हेल्प यूर क्या मैं तुम्हारा मदद कर सकता था सेम लाइक दैट क्या वो वहा आ सकते थे क्वेश्चन मार्क पहले खुड खुड के बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ क्या है वो तो वो की इंग्लिश लिखेंगे दे सब्जेक्ट के बाद वर्ब वर्ब क्या है आना तो आना की इंग्लिश लिखेंगे कम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है वहां तो वहां की इंग्लिश लिखेंगे देयर देयर के बाद क्वेश्चन मार्क ओके खुद दे कम देयर क्या वो वहां आ सकते थे ओके सो स्टूडेंट्स सेंटेंस मेकिंग फुल आसान है अगर आप लोग इनकी स्ट्रक्चरों को अपने जहन में रखेंगे तो आप खुद से ही हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं ओके सो so, स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इन अगले क्लास के साथ मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज